फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज की जो जॉब वैकेंसी आई है वो अल अंसारी एक्सचेंज से आई है और इसमें 2 से 3 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। और पहले बात करते हैं कि एक्सचेंज में होता क्यों है और एक्सचेंज की वैकेंसियाँ क्यों ज़्यादा आती हैं दुबई में। और दुबई में एक्सचेंज की, जैसे आप अपने होम कंट्री में देखेंगे तो बहुत कम शॉप्स या कंपनियाँ मिलेंगी या दुकानें मिलेंगी कि जो एक्सचेंज के लिए हो, और इतने बहुत फैसिलिटी भी नहीं होती है उसमें। तो यहाँ ऐसा क्यों है? तो यहाँ एक्सचेंज का बहुत बड़ा मायने रखता है। एक्सचेंज जो, जैसे मान लीजिए आप आए, आपका दुबई में जॉब लगा, अभी आपका अकाउंट नहीं खुला है तो आपकी सैलरी एक्सचेंज में आएगी, या तो बहुत सारी कंपनियाँ कैश नहीं देती हैं तो आपकी सैलरी एक्सचेंज में देती हैं। और मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा करेंसी चेंज के, जैसे एक कंट्री के लोग है नहीं, कोई बांग्लादेश का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई इजिप्ट का है, कोई ईरान का है, तो मतलब हर कंट्री के लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो एक्सचेंज के माध्यम से पैसा अपना भेजते हैं। जिनके पास अकाउंट नहीं होता है या जो अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हैं, वो एक्सचेंज के माध्यम से पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं। तो एक्सचेंज का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। लगभग हर चौराहे, हर मतलब हर एरिया में आपको एक्सचेंज के काउंटर मिलेंगे, और अच्छे अच्छे बैंक की तरह ऑफिसें होती हैं यहाँ पे। तो ये मैं उनको बता रहा था कि जो लोग अभी इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, उनके लिए कि यहाँ एक्सचेंज की वैल्यू क्या होती है। जो यहाँ दुबई आ चुके हैं, जो दुबई में रह चुके हैं या जो दुबई आएंगे, तब उनको दिखेगा कि यहाँ एक्सचेंज की वैल्यू क्या होती है। और एक्सचेंज जो हमारे वहाँ बैंक होते हैं, वहाँ ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं, यहाँ भी बैंक होते हैं, लेकिन जो ऐसे हमारे वहाँ बैंकों के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, वैसे यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। और एक्सचेंज पे हमेशा मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है पैसा ट्रांसफ़र करने में। तो अब बात करते हैं जो जॉब वैकेंसी आई है, अल अंसारी एक्सचेंज करके है, जो बहुत ही बड़ी संस्था है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जैसा कि अल अंसारी एक्सचेंज का 1x1 मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ें पढ़ें, उसके बाद आप अप्लाई करें। अगर आप इनसाइड UAE हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इनसाइड UAE हैं तो अल अंसारी के कम से कम 10 काउंटरों पर आप जाएँ, अपनी CV ड्रॉप करें। यहाँ जो उस CV में आपका यहाँ का लोकल नंबर होना चाहिए, और आप उस मतलब एक्सपीरियंस हो ना हो, आपकी क्वालिफिकेशन हो और कंप्यूटर नॉलेज हो, और इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर डीलिंग होता है। तो आप विजिट करें, CV ड्रॉप करें, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डिटेल्स थी अल अंसारी एक्सचेंज की। अगर आप इसमें मतलब स्टार्टिंग अपना करना चाहते हैं दुबई में, थोड़ा सैलरी कम रहता है, 3,000-3,500 रहता है, तो कम भी नहीं है, इंडिया के हिसाब से 70,000-75,000 कम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें दिखी होंगी और उस हिसाब से आप पढ़ें, अप्लाई करें। अगर आप दुबई में हैं तो फिज़िकली विजिट करें अपनी CV लेके, कम से कम 10 स्टोरों पे, उसके पॉइंट्स पे विजिट करें आप, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। और उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझको व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।